जैसी गैस, हम पिछले कई वीडियो में वैशाख महात्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी को आज फिर आगे बढ़ाते हैं कि वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व और वैशाख स्नान के नियम। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से थके और थके मादे ब्राह्मणों को शमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चढ़ाई दान करता है उसकी उस चढ़ाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से युक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए शेष ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्त होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांत को प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखरा कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थयात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष गाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक यानी छाछ प्रदान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विश्व प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वह अश्वमेध का यज्ञ फल पाकर विश्वलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन की ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी कपूर बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक में जाता है। जो विष्णुभक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्म के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्म के पापों से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में किसी में भी उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन है,
अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महीरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गैरवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नम गुरु माधव। हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेष गेभानो प्रातः स्नान परायण अर्घ्यम ते हम प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ, मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण कर स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांत भांत के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चिंत से ध्यान करना चाहिए। यह वैशाख मास के विविध वस्तुओं के दान और स्नान का वर्णन हुआ और मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस महत्व को जानें, समझें और करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।